यस सर yes, मेरी आवाज आ रही है यस yes, सर आपको प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है yes, सौिक पढ़ के बताओ पहला क्वेश्चन क्या है एक उंगली सलाह ऐसे वेरी गुड सुनाओ यू कैन सी फर्स्ट क्वेश्चन एवरी वन रीड दिस क्वेश्चन लर्निंग रीडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, है ना so, यह आपको तो यही मेन काम तो यही करना है क्वेश्चन पढ़ना है और उसको देखना है सुनाओ जस्ट टेल मी जस्ट रीड दिस क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन लिखने की जरूरत नहीं है पढ़ो ये होमवर्क होगा ठीक है एवरी वन रीड क्वेश्चन नंबर वन पीछे से निशान दिखाई दे रहा है अगर आपके पास बुकलेट है तो अपने बुकलेट में देख सकते हो डोंट वरी बट यू हैव टू रीड इट रीड करना बहुत जरूरी है ना <coughs> क्लियर है ये पढ़ लिया ठीक है ओके चलो सो विच टाइप ऑफ सिस्टम इज दिस कैसा सिस्टम लग रहा है वन डायमेंशनल बॉक्स विथ क्या होगा जीरो टू ए और सेंटर कहां पर होगा ए बाई टू पर ठीक है ओके नाउ चलिए जी इज मेजर्ड ऑन स्टेट psi, वॉट विल मेजरमेंट विथ वॉट प्रोबिलिटी क्या होगा एनर्जी मेजरमेंट इवन इट और नाइन इन विथ प्रोबिलिटी नाइन बाई ट्वेंटी फाइव थ्री नहीं नाइन बाई ट्वेंटी फाइव एंड सिक्सटीन बाई ट्वेंटी फाइव अगर आप पहला क्वेश्चन कर लो तो दूसरा हो जाएगा

ठीक है। फाइंड द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स एट टी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा कितने टर्म मिलेंगे फोर टर्म मिलेंगे कौन कौन सा टर्म मिलेंगे एक्स फाइव थ्री, थ्री फाइव वन एक्स फाइव थ्री फाइव थ्री एक्स फाइव वन बट दिस इज नॉट नॉर्मलाइज तो आपको उसका ध्यान रखना पड़ेगा है ना so you will just go for this particular thing so you will just go for साई x साई और नीचे वाला टर्म जरूर यहां पर यूज करोगे बिकॉज इट इज नॉट नॉर्मलाइज ओके नाउ फाइंड द ये तो हो गया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट पार्टिकल इज फाउंड इन द राइट हाफ ऑफ द बॉक्स हो जाएगा कहां से कहा इंटीग्रेट करोगे जीरो टू ए बाई राइट हाफ ए बाई टू टू इंटीग्रेट फर्स्ट इंटीग्रेशन फर्स्ट फर्स्ट इंटीग्रेशन मॉड फाइव वन स्क्वायर सेकेंड इंटीग्रेशन मॉड फाइव थ्री स्क्वायर और क्रॉस टर्म का दो इंटीग्रेशन ठीक है फर्स्ट इंटीग्रेशन की वैल्यू वन बाई टू सेकेंड इंटीग्रेशन की वैल्यू वन बाई टू थर्ड इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा यस yes? हो जाएगा ये वेरी गुड एवरी वन फ्रॉम ऑनलाइन क्लासेस अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हो ये सारा आपके लिए किया गया है बाकी हम तो यहां करते ही थे ये सयान आर यू कंफर्टेबल वेरी गुड तो अगर आपने ये क्वेश्चन देख लिया तो अभी आपको जो क्वेश्चन बताना है उसमें यह बताना है कि फर्स्ट का आंसर और नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर में डिफरेंस है या सेम है बाई वाइव वन हियर? वट इज फाइव वन अंडर रोट टू बाई ए साइन पाई एक्स बाई ए व्हाट इज फाइव थ्री रूट टू बाई ए साइन थ्री पाई एक्स बाई ए वेरी गुड चलो जी आ जाओ अब क्वेश्चन नंबर एट देखो दिखाई दे रहा है यस yes, yes. पढ़ लो पढ़े पहले जस्ट रीड इट रीड इट रीड इट पढ़ने की आदत डालो पढ़ने की आदत नहीं डाल पाओगे तो कुछ नहीं होगा कंप्रीएंशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आरजू पढ़ लिया इसलिए जब प्रॉब्लम सेशन हो तो अपनी बुकलेट भी लेके आ सकते हो ठीक है आप अपनी बुकलेट में पढ़ सकते हो है ना तो मैं पहले बताऊंगा वी हैव स्पेशल प्रॉब्लम सेशन ठीक है सो so, इन जनरल हम लोग उसको संडे को ही करेंगे इन जनरल ताकि दोनों जगह के बच्चे बेनिफिट कर सके ठीक है एनी anyway, मेरा क्वेश्चन ये है यह कैसा पोटेंशियल है इनफनाइट कहा से कहां बाउंड्री कंडीशन है माइनस ए बाई टू टू प्लस ए बाई टू चलो चलो मैं जिससे पूछूंगा वही आंसर देगा ठीक है चलो फाइव वन की वैल्यू क्या है बताओ दो बस बताओ, पूरा बताओ ना अब फाइव थ्री की वैल्यू थ्री पाई एक्स वाई है यहाँ दोनों वैल्यू क्या है की है यस yes? yes. बहुत ही आराम से देखना है क्या सेंटर है कहाँ बाउंड्री है फंसा देता है वहीं पर कैसा पोटेंशियल है दिस पोटेंशियल इज नथिंग बट ऑलवेज दिस विल बी विथ माइनस ए बाई टू टू प्लस ए बाई टू अब मैं जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं उसका आंसर आपको हा में देना है। लास्ट प्रॉब्लम और इस प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर वन दोनों सेम था याफिशियंट भी सेम है और एनर्जी आइगन स्टेट भी सेम है भले वहां कॉज और साइन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्वांटम नंबर इज इंपॉर्टेंट वो भी किसका सुपरपोजिशन था वन एंड थ्री यहां किसका सुपर पोजिशन है वन एंड थ्री एवरी वन इज कंफर्टेबल चलिए क्वेश्चन नंबर टू सेम और डिफरेंट सेम क्वेश्चन नंबर थ्री सेम और डिफरेंट क्वेश्चन नंबर फोर सेम और डिफरेंट सेम क्वेश्चन नंबर फाइव सेम और डिफरेंट सेम क्यों सी वन सी टू ई वन ई टू है ना या फिर जो भी है फिशेंट और एनर्जी लेवल क्वेश्चन नंबर एफ सेम और डिफरेंट सेम कॉन्सेप्ट किसी को कहते हैं ना कैलकुलेट तो कर ही लोगे क्वेश्चन नंबर जी डिफरेंट क्योंकि एवरेज वैल्यू वहां पर क्या है ए बाई टू है और आपका यहां पर जीरो है क्वेश्चन नंबर एच इसका आंसर जो देगा उसको चॉकलेट खिलाऊंगा वर्चुअल चॉकलेट सेम और डिफरेंट सेम क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन तो वैसा ही होगा नहीं भाई वहां भी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो था वो ग्राउंड स्टेट का कैसा था ऐसा था एग्ड नॉट सो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन सेम है तो कहानी सेम होगी एवरी वन इज कंफर्टेबल बना लोगे yes, कितना समय लगेगा बनाने yes, में तीन से चार मिनट उससे ज्यादा नहीं कितना टाइम लगेगा तीन से चार मिनट चार मिनट से ज्यादा ले रहे हो तो हिम्मत बताना हमसे पढ़ो ठीक है मेरा भी तो इज्जत का बात है चलो आ जाओ चलो इसमें सारा चीज आप कैलकुलेट करोगे फटाफट एक ही वैल्यू कैलकुलेट करो एवरी वन वन मिनट एवरी वन एवरी वन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्वेश्चन नंबर सेवन फास्ट

देखो ऑनलाइन में कौन कौन है कितना आ रहा है चलो निधि बताएगी क्या आंसर आ रहा है निधि रूट सिक्स बाई फाइव रूट सिक्स बाई वेरी गुड क्या आंसर आ रहा है रूट सिक्स बाई फाइव कैसे होगा चलो जी आप छोटा हो जाओ सो so, देखो जो भी पढ़े हो उसको कैसे यूज करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है है कि नहीं तो आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा आप क्या दिया है? कैसा सिस्टम दिया है इन बॉक्स कैसा बॉक्स है इन्फिनाइटली बॉक्स ठीक है एनीवे anyway. तो आप इसको क्या करो फाइव वन फाइव टू फाइव थ्री के बेसिस में लिख लोगे सो so, आपको जो दिया हुआ है इंटीग्रेट वगैरह थोड़ी करोगे बैठ करके इतना हा? आप इसको लिख सकते हो क्या दिया है ए अपॉन रूट ए साइन क्या दिया हुआ है पाई एक्स अपॉन ए प्लस फिर से क्या दिया हुआ है रूट थ्री अपॉन फाइव ए साइन थ्री पाई एक्स अपॉन ए और प्लस वन अपॉन रूट फाइव ए साइन फाइव पाई एक्स अपॉन ए प्लीज इसको किट बनाना है आपको व्हाट इज इस, इसको कौन सा किट बना सकते हो फाइव वन तो इसके लिए क्या करोगे रूट टू से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो अब मल्टीप्लाई और डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा ए अपॉन रूट टू फाइव वन व्हाट इज फाइव वन रूट टू बाई ए साइन पाई एक्स बाई यहां पर किससे डिवाइड करोगे फिर से रूट टू ले जाओ ऊपर नीचे है ना तो रूट टू ऊपर नीचे तो ये क्या आ जाएगा रूट थ्री अपॉन टेन पाई थ्री हो जाएगा ये यस yes? इसको फिर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा ये रूट वन अपॉन टेन दैट वैल्यू इज वॉट पाई फाइव तो दिस इज योर स्टेट साइव भाई इतना पढ़े क्यों हो उसको इंटीग्रेट करोगे बैठ करके नॉट आपको मुद्दा कहां रखना है मुद्दा आपको रखना है व्हाट इज इज योर एन एन पाई और ये जो सी वन सी टू सी थ्री होगा दैट शुड बी नंबर बाकी सारे को कहां लेके जाना है फंक्शन के अंदर लेकर जाना है एवरीवन इज कंफर्टेबल अब आप यहां से देख सकते हो नॉर्मलाइजेशन के लिए ए स्क्वायर बाई टू फिर क्या होगा थ्री बाई टेन प्लस वन बाई टेन मस्ट भी टू वन ए की वैल्यू मिल जाएगी क्या रहा है रूट सिक्स बाई फाइव सो ए इज इक्वल टू वॉट रूट सिक्स बाई फाइव क्लियर है ये सो प्लीज बहुत ही अच्छे से करो बाकी सारा आप सेम क्वेश्चन है हो जाएगा चलो लेट्स कम टू दिस वन कम टू क्वेश्चन नंबर फाइव चलो जस्ट सी क्वेश्चन नंबर फाइव दिखाई दे रहा है चलिए वेरी गुड क्या हो गया रिकॉर्डिंग हो रही है तो हो हो रही है क्यों? क्या हो गया? अच्छा ठीक हो रही हो रही क्लियर है ये इसका रिकॉर्डिंग नहीं भी होगा तो चलेगा ठीक है इसमें क्या रिकॉर्डिंग देखना है <laughs> जिसका रिकॉर्डिंग थोड़ी होता है एनी वन चलो कैसा सिस्टम है भाई सिस्टम क्या है अब देखो मैं क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहा हूं आई एम जस्ट आस्किंग वॉट इज सिस्टम अभी तक कौन सा सिस्टम है ये पार्टिकल इन इंफिनाइट बॉक्स कैसा उसमें भी दो तरह का सिस्टम पढ़ा है आपने कैसा सिस्टम सिमेट्रिक और नॉन सिमेट्रिक सिमेट्रिक चलो तो प्रायरिटी के बारे में बात करना चाहिए यस ओके नाउ

एनिजिकल टू वन के लिए सिमेट्रिक एन इज टू टू के लिए सिमेट्रिक थ्री थ्री के लिए सिमेट्रिक फोर के लिए सो एंटीसीमेट्रिक बी प्लस वन और माइनस वन माइनस उत्तर सही है बिल्कुल अब बी क्वेश्चन देखो ये बड़ा मजेदार है इफ हैमिल्टोनियन इज मेजर्ड ऑन स्टेट हुई प्लस वन वॉट इज मेजरमेंट प्लस वन का मतलब इवन के बारे में बात करें ऑड के बारे में इवेन देखो तो ऑन स्टेट पैरिटी इज प्लस वन प्लस वन मिंस इवें और, और? इवें। सो इवें के लिए हैमिल्टोनियन मेजर करो तो क्या क्या मिलेगा इन नाइन इन ऑट ट्वेंटी फाइव इन नॉट मीन्स सिमेट्रिक और एंटीसीमेट्रिक सिमेट्रिक मिलेगा ठीक है और आपको कैसा कॉस का फंक्शन या साइन का फंक्शन कॉस का फंक्शन एवरी वन इज कंफर्टेबल यस वेरी गुड चलो कम टू दिस क्वेश्चन ये आपके एग्जाम में भी आ चुका है अरे आ जा भाई अभी एडिट करवाओगे पेन से चलाएं चलेगा वेरी गुड तुम्हें इतना आइडिया कैसे है यार सबका रहा है थोड़ा सा दबाना पड़ रहा है इसको चलिए वी क्वेश्चन नंबर थ्री दिखाई दे रहा है क्या थोड़ा सेटिंग में गड़बड़ी इसको यहां से रहना चाहिए ना है कि नहीं ये सब समझ करना चाहिए ये यहाँ पर से शुरू करना चाहिए खूबसूरती में तो कोई चीज होती है नहीं चलो क्वेश्चन समझ में आ रहा है हाया ना पक्का कैसा सिस्टम है पार्टिकल इन इनफिनाइट बॉक्स वो तो पता है चैप्टर का नाम ही पार्टिकल इन बॉक्स है कैसा बॉक्स है कैसा बॉक्स है जीरो टू ए वाला या माइनस ए बाई टू टू ए प्लस ए बाई टू जीरो टू ए तो वे फंक्शन साइन होगा या कॉस होगा साइन होगा आप मुझे बस ये कर दो व्हाट इज द वेब फंक्शन आफ्टर लेटर टाइम टी इज टू टी नॉट लिख कर दिखा दो चलो एवरीवन बाकी आप कर लोगे बाकी सब हम लोग कर लिया व्हाट इज द वेब फंक्शन एट लेटर टाइम टी इज इक्वल टू टी नॉट लिखो लिख लिया वेरी गुड गड़बड़ कर रही हो तुम बार बार गड़बड़ कर रही हो <coughs> मैंने क्या बोला फाइव वन फाइव टू इस तरह से लिखो रोट टू बाई ए फाइव वन के साथ लेकर जाओ कभी भी ए बाहर नहीं रहेगा है ना सबसे पहले क्या करना पड़ेगा साई एक्स टी जीरो को बेसिस में लिखना पड़ेगा किसके बेसिस में हेमिल्टोनियन के एन आइगन स्टेट के बेसिस में तो पहले वो लिखो और नॉर्मलाइज होना चाहिए है ना हमेशा बेसिस नॉर्मलाइज लोगे एक क्वेश्चन अभी मुझे मिला बहुत ही मजेदार क्वेश्चन जिसमें बेसिस वेक्टर इंडिपेंडेंट थे लेकिन नॉर्मलाइज नहीं था मैं करवाऊंगा आप लोग को जब स्पिन कराऊंगा तो अभी जस्ट हाँ बता हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड आ, आ रहा है जी है ना सो आपने क्या किया भाई आपने कुछ नहीं किया यहाँ पर तो हालांकि चाहिए तो हमें पूरा ओपन बट पे पता है कॉस साइन है तो साइन पाई एक्स कॉस के टर्म में लिख लेंगे सो व्हाट विल बी योर साई एक्स टी इज इक्वल टू जीरो ये हमारा दिया हुआ है रूट अंडर एट अपॉन फाइव ए एंड वन प्लस कॉस पाई एक्स बाई एंड है जो दि तुम बार बार ये गलती कर रही हो इस बार अब गलती नहीं होना चाहिए है ना दैट वैल्यू कैन बी रिटर्न एज एट अपॉन फाइव ए साइन पाई एक्स अपॉन ए प्लस रूट एट अपॉन फाइव ए और यहां क्या होगा साइन पाइएक्स अपॉन ए एंड कॉस पाइएगा अब इसे तो हम लिख सकते रूट टू बाई ए से ऊपर नीचे ले जाए हमेशा याद रखो वन रूट टू बाई ए किसके साथ रहेगा केट के साथ रहेगा फंक्शन विदाउट नॉर्मलाइसन क्वेश्चन कोई वैल्यू थोड़ी है क्वांटम मैकेनिक्स में ठीक है वॉट यू विल डू यू विल जस्ट राइट दिस थिंग एज रूट एट बाई टेन और यह क्या होगा 5, 1. और है, है, दो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा फाइ टू तो बनने का चांस है यहां पर है ना तो यह क्या हो जाएगा सो रूट टू बाई ए तो ऊपर नीचे करोगे करोगे और टू से भी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा ये सो एट बाई टेन तो होगा हो ही होगा और नहीं नहीं टू से भी मल्टीप्लाई करेंगे ना नाइड टू से डिवाइड भी करेंगे ये क्या हो जाएगा सॉरी क्या कर रहा हूं ये एट अपॉन टेन तो हो ही गया रूट टू से कर दिया और ये हमारा फाइव टू के लिए टू से ऊपर मल्टीप्लाई भी करेंगे सॉरी टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड करेंगे टू से हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे है ना सो so, अंदर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा रूट फोर अपॉन फाइव फाइव वन प्लस ये क्या हो जाएगा वन अपॉन फाइव वन अपॉन फाइव फाइव टू अब आप इसको क्या करोगे अब ये टी इक्वल टू अब अब यहां से काम आपका शुरू होगा आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट ये तो भाई दुनिया के लिए है

आपके फेवर का है सब कर चुके हैं हम लोग सारा इंटीग्रेशन भी कर लिया ठीक है एग्रीड चलो सो so, अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं और इसको तो आप कर लेना घर में मैं दूसरे वाले पर आ रहा हूं चलो क्वेश्चन नंबर क्या हो गया क्वेश्चन नंबर फोर चलो क्या करना होगा ये बताइए फिर एक और क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स फिर फोर और सिक्स करके हम लोग खत्म करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर में क्या दिया हुआ है बताइए साई एक्स जीरो दे दिया है जैसे एक प्रॉब्लम अभी क्या था वहां साई एक्स दिया होता है ये जीरो से बाई टू यहां पर कुछ ऐसा दे दिया कैसा साई एक्स है साई एक्स कुछ ऐसा है पैराबोलिक कर्व है एक्स ए माइनस एक्स ए की वैल्यू निकाल लोगे आप नॉर्मलाइजेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं आपसे पूछ रहा व्हाट विल बी प्रोबेबिलिटी दैट पार्टिकल हैव एनर्जी दिस वन है ना तो कितनी एनर्जी है कैसा सिस्टम है ये वन डायमेंशनल बॉक्स उसका ग्राउंड स्टेट की एनर्जी पूछ रहा है सो so, क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट इज दिस E1 इज इक्वल टू व्हाट पाई वन साई मॉड साई स्क्वायर साई साई ठीक है तो आपको बेसिकली कैलकुलेट क्या करना है फाइव वन साई को कैलकुलेट करना है, है ना तो फाइव वन साई कैलकुलेट करोगे तो कैसे कैलकुलेट करोगे जीरो टू ए और यहां क्या हो जाएगा रूट टू बाई ए साइन पाई एक्स बाई ए और साई si की वैल्यू क्या है जो भी ए आ जाए एक्स इंटू ए माइनस एक्स डी एक्स ठीक है ना मेरा आपको इसका मुझे अभी रिवाइज करना था मैं रिवाइज नहीं कर पाया हूं आपके लिए क्वेश्चन है राइट डाउन साई एक्स टी राइट डाउन साई एक्स टी कैलकुलेशन करने में मजा आ जाएगा क्यों सी एन निकालना होगा गेटिंग माई पॉइंट और नॉट बेसिस में लिखोगे तभी तो आएगा तो इसको आप क्या करोगे सीएन निकालोगे एंड वॉट विल बी ऑर सीएन मेरा ये कहना है राइट डाउन साई एक्स टी तभी लिख पाओगे ना जब यू विल आप जब ये लिखोगे नॉट एंड हाउ यू विल गेट वैल्यू ऑफ सी एन द वैल्यू ऑफ सी एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या होगा ये पाई एन स्टार साई एक्स डी एक्स एग्रेड ये एग्जाम में आ चुका है डोंट वरी है ना और जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेशन बड़ा ही मजेदार है जीरो टू ए और यहां क्या आ जाएगा रूट टू बाई ए साइन एन पाई एक्स ए और यहां क्या होगा एक्स इंटू ए माइनस एक्स डी एक्स अब पहला इंटीग्रेशन तो आसान है दूसरा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर के साथ है so हो जाएगा ये और आप देखोगे यहां पर एन की ओनली ऑड वैल्यू के लिए सर्वाइव करेगा थ्री फाइव के लिए सर्वाइव करेंगे सो दिस इज योर होमवर्क एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसमें ऐड करो और ये क्वेश्चन सारे लोग पोस्ट करोगे अपने ग्रुप पे या मुझे पर्सनली दिखाओगे ठीक है एवरी वन कैलकुलेशन बहुत स्मार्ट है बहुत अच्छे से करना होगा एग्रीड हो जाएगा ये ठीक है चलो फ्रॉम ऑनलाइन क्लासेस यू हैव टू पोस्ट इट दिस इज कंपल्सरी लिखो बगल में कंपल्सरी बिना किए क्लास नहीं आना है ठीक है सो जस्ट ट्राई टू डू दिस थिंग ये एग्जाम में आ चुका है बट फिर भी आपको करके रखना है ठीक है चलो लास्ट बट नॉट द लिस्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स नंबर सिक्स <laughs> क्या करना होगा ये बताओ आपसे क्या बोल रहा है कैसा प्रोसेस फास्ट प्रोसेस या स्लो प्रोसेस स्टेट विल चेंज और रिमेन सेम है आपसे क्या पूछ रहा है आपसे पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी दैट पार्टिकल विल बी इन अ ग्राउंड स्टेट ऑफ न्यू बॉक्स देखो क्वेश्चन पढ़ो ना क्या दिया है कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ न्यू बॉक्स फॉर्मूला बताओ क्या होगा तो किसकी एनर्जी चाहिए किसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए ग्राउंड स्टेट ऑफ न्यू बॉक्स एनर्जी क्या होगा उसका स्क्वायर स्क्वायर फॉर्मूला बताओ क्या होगा बताओ नरेंद्र व्हाट विल बी फॉर्मूला वेरी गुड पाई न्यू जो इसके साथ है और साई वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड आई लाइक दिस थिंग मॉट स्क्वायर और नीचे वेरी गुड वेरी गुड आई एम प्राउड ऑफ यू व्हाट इज फाइए तुमने पकड़ा सही है अब फाइन बताओ क्या व्हाट इज योर फाइन वॉट इज योर फाइन वेरी गुड रूट टू बाई अरे फाइ एन जो इसके साथ वे फंक्शन वही तो होगा दैट इज साई एक मिनट एक मिनट अब देखो क्वेश्चन समझो फाइ एन क्या होगा जो इसके साथ एसोसिएट ऐसे स्टेट है याद है इसके साथ कितनी स्टेट एसोसिएट होगी टू बाई फोर ए साइन पाई एक्स बाई फोर ए कहां से कहां तक जीरो टू फोर ए एंड जीरो अदरवाइज यहां तक क्लियर है व्हाट इज योर साई साई विल बी रूट टू बाई ए साइन पाई एक्स अपॉन ए ग्राउंड स्टेट में इनिशियली पाई एक्स बाई ए कहां से कहां तक जीरो टू ए और ये जीरो अदरवाइज ठीक है एंड ठीक है, है 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 क्लियर ये ना सो so बेसिकली आपका जो साई है वो साई कुछ ऐसा है न्यू बॉक्स के लिए इज एंड दिस इज योर साई एंड वॉट इज ये ग्राउंड स्टेट का एनर्जी एगन फंक्शन तो यही रहेगा वो थोड़ी चेंज होने जा रहा है न्यू का ग्राउंड स्टेट जो है वो तो यही रहेगा टली दिस सेम थिंग है कि नहीं पॉइंट क्योंकि जो यहां एनर्जी होता है उसी का लेते हैं। याद है एक क्वेश्चन में साई जीरो स्टेट ये तो किया था तो यहां पर क्या लिया था साई जीरो लिया था और यहां पर साइट ही लिया था एग्रेड नॉट सो यहां जो होगा जिसकी प्रॉब्लिटी है वो कैलकुलेट इट so लेकिन जब आप कैलकुलेशन करोगे तो कहां से कहां तक इंटीग्रेट करोगे जीरो ना साई तो, तो ये है? सो यू कैन जस्ट ट्राई टू कैलकुलेट इट आई थिंक जीरो पॉइंट नाइन फोर के आसपास इस तरह कुछ आएगा यू कैन जस्ट ट्राई टू कैलकुलेट हो जाएगा ये यस yes? ओनली इंटीग्रेशन आपको करना है सो दिस इज एंड ऑफ योर पार्टिकल इन बॉक्स मजा आया या नहीं आया yes, अरे तुम्हें तो हमेशा ही आता है मजा आया। हा? ये ठीक है ऑनलाइन पीपल आपसे पूछना चाहिए तो कर करते ही रहते हैं ऑनलाइन पीपल आर यू फीलिंग कंफर्टेबल फॉर दिस थिंग वेरी गुड दिखाई दे रहा है आपको क्लियरली क्वेश्चंस वगैरह वेरी गुड चलो तो हम लोग ये सेशन बार बार करेंगे है ना सो so, लेकिन जो भी ये सेशन करेंगे उसका मुझे पूरा कैलकुलेशन चाहिए आपके कॉपी में ठीक है सो ऑफलाइन पीपल एंड ऑनलाइन पीपल जस्ट सॉल्व द असाइनमेंट एंड सेंड टू योर ग्रुप और यहाँ पर पर्सनली दिखा सकते हो मुझे भी दिखा सकते हो मुकद्दर सर को भी दिखा सकते हो कुणाल सर को भी दिखा सकते हो तीनों में से किसी से चेक करवा सकते हो आप ठीक है सो जस्ट ट्राई टू डू दिस थिंग ओके सो आज के लिए धन्यवाद थैंक यू सर थैंक यू थैंक यू थैंक यू